हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आइए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है अकाउंटिंग रेशियोज। और आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एक्टिविटी रेशोज में आती है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है कंप्यूट करने का वो ये रहता है कि हम कितनी बार पूरे साल भर में कितनी बार अपने स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम 11th क्लास में COGS के नाम से भी जानते थे। ये इसका नया नाम है, कॉस्ट जो हमने गुड्स बेचा है उसकी कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। और इसके यहां पर आएगा जी एवरेज इन्वेंट्री। अब हमें अगर ये दोनों टर्म समझ आ जाए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट होगा और एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये रेशियो हमारे लिए इजी हो जाएगा, राइट। चलिए, तो अब सबसे पहले ही जो इसका ऑब्जेक्टिव है मैंने आपको बताया था अभी कि इसका जो ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कितनी बार हम अपने स्टॉक को, यानी कितनी जल्दी हम अपने स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। एग्जाम्पल के लिए 4 times अगर ये रेशो, ये जो रेशो निकाल जाती है टाइम्स में निकाली जाती है, अगर ये 4 times आ रहा है इसका मतलब ये है कि हम एक साल के अंदर 4 times अपने स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब एक साल के अंदर यानी 12 months के अंदर 4 times 4 times अपने स्टॉक को कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 3 महीने हमारा जो इन्वेंट्री रहता है गोडाउन में, जो हमारे गुड्स स्टे करता है वो 3 months के लिए करता है ओनली। 3 महीने के लिए हमारे पास गुड्स रहता है और वो फिर सेल हो जाता है। ओके, अगर एक कंपनी की ये जो टर्न इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 8 times है, तो इसका मतलब 12 months upon 8, तो ये आ जाएगा आपका 12 upon 8, ये आएगा 1.5। इसका मतलब उस कंपनी का ओनली 1.5 months ही स्टॉक गुड्स स्टॉक में रहता है, वो सेल होता रहता है 1.5 महीने के बाद, राइट। तो इसका मतलब ये रहता है। तो अब हमने इसका मतलब सीखा, इसके रेलेवेंस क्या है, उसके बाद हम इसको कंप्यूट करना देखते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कंप्यूट करना है और एवरेज इन्वेंट्री हमें कैसे कंप्यूट करना है। तो पहले जो ईजी चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, एवरेज इन्वेंट्री आपको कैसे निकालना है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। तो एवरेज इन्वेंट्री इस सभी को, हर एक स्टूडेंट को ये पता होता है, इसमें कोई उसको डाउट नहीं आता। ओपनिंग इन्वेंट्री, चलिए मैं लिख देता हूँ एवरेज इन्वेंट्री कैसे कंप्यूट होगा। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, तो ये आपका एवरेज इन्वेंट्री कंप्यूट हो जाएगा। मेन क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस तरीके से कंप्यूट किया जाए। देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं क्लास 11th में, क्लास 11th में हमने ये सीखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचा गया है, COGS का मतलब जो गुड्स जो गुड्स बेचा गया है उसकी कॉस्ट क्या है, उसी को बोलते हैं हम COGS, राइट। तो चलिए हम इसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहले मैं आपको ओल्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, फिर न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए P&L की स्टेटमेंट। कंपनी में स्टेटमेंट बनती है प्रॉफिट एंड लॉस की। ओके, मैं आपको दिखा दूंगा उसका फॉर्मेट कैसा है। तो सबसे पहले हम पुराना समझते हैं ओल्ड। सर क्यों पुराना जानना जरूरी है? बिल्कुल जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ओल्ड से भी बन सकते हैं, न्यू से भी बन सकते हैं।
तो पहले ओल्ड के हिसाब से समझते हैं क्लास 11th, सभी लोगों ने क्लास 11th में ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाया है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। जल्दी जल्दी से मुझे याद दिलाइए। खैर यहाँ पे हम पी एंड एल की तो बात करेंगे नहीं, खाली ट्रेडिंग से काम चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे होता था ओपनिंग स्टॉक, बिल्कुल सही। फिर होता था नेट परचेजेस, नेट परचेजेस यानी परचेजेस, वहाँ से रिटर्न माइनस हो जाती हैं रिटर्न, और आउटर कॉलम में जो फिगर आती है वो आती है नेट परचेज। उसके बाद आते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में होता है सेल्स, चलिए मैं सेल्स और रिटर्न ना लिखने के बजाय मैं लिख देता हूँ नेट सेल्स, ठीक है, थोड़ा इजी पड़ेगा, दो चीज ना लिखने के बजाय हमने नेट से लिख दिया, राइट। फिर उसके बाद यहाँ होता है क्लोजिंग स्टॉक, सभी को याद आ गई है चीज? जी सर हमें याद आ गई है। अब उसके बाद यहाँ पर आपका ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस बैलेंस आ जाता था। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखो ध्यान से, हमारे पास 1 लाख रुपीस का स्टॉक शुरुआत में था, यानी साल के स्टार्टिंग में 1 लाख रुपीस का, इसका मतलब पिछले साल सेल नहीं हो पाया होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे जो परचेज किया इस ईयर के अंदर 12 लाख रुपीस का गुड्स परचेज और किया, उसको लाने में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा, ये क्या होते हैं, माल को लाने से लेकर बनाने तक के खर्चे, आई रिपीट, माल को लाने से लेकर बनाने तक के सभी खर्चे। एग्जाम्पल के लिए वो आ गए आपके 50,000, ठीक है, तो कितना हो गया, अगर हम इसको क्यूमुलेटिव बेसिस पर बोल दें तो 12,50,000 का परचेज किया गुड्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 1 लाख का हमारे पास था, 1250 का परचेज और हो गया, तो कितना हुआ, 13,50,000। 13,50,000 में से एग्जाम्पल के लिए 3,50,000 हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, तो कितनी कॉस्ट का गुड्स हम बेच चुके हैं, तो जो गुड्स हमने बेचा उसकी कॉस्ट क्या है, कितनी कॉस्ट का गुड्स हम बेच चुके हैं, ये हुआ था आपका 13,50,000 माइनस 3,50,000, तो हम 10 लाख की कॉस्ट का गुड्स बेच चुके हैं। और वो हमने, अगर मान लो ये तो ऑब्वियस है कि भाई वो जो अमाउंट, वो जो गुड्स आप बेचोगे वो हमेशा कॉस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा पे ही बेचोगे, आपने उसको बेचा 11 लाख रुपीज़ का। देखो सेल में और इसमें फ़र्क है, ये क्या है, जो गुड्स बेचा है उसकी कॉस्ट, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये है सेल, कितने में बेचा है। इसी वजह से आपका जीपी 10 लाख का माल 11 में बेचा, इसी वजह से यहां पर बैलेंस ही फिगर आता है ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख रुपीस का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी ट्रेडिंग एंड पी एंड एल यहां पे बना। तो सर ये हमें क्यों सिखाया जा रहा है, अभी आपको रीजन पता लग जाएगा, क्योंकि यहीं से मेरा फॉर्मूला बनेगा सीओजीएस का। अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो आपके सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखो हमने ये सीओजीएस निकाला कैसे है। सीओजीएस हमने कैसे निकाला, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एक सेकेंड, हमने ये ऐसे तो निकाला है ओपनिंग स्टॉक। तो जब भी आपको ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो आप हमेशा इसको याद रखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को आप याद रखेंगे तो आपको इजीली फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैसे कंप्यूट हुआ, ओपनिंग स्टॉक, याद नहीं करना समझना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, नेट परचेजेस मतलब टोटल में से रिटर्न माइनस के बाद, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला यहां से बना। अब हम बात करते हैं, एक फॉर्मूला और यहां से बन सकता है, अगर हम सेल में से जीपी माइनस कर दें, आई रिपीट, अगर हम सेल में से जीपी माइनस कर दें
तो भी हमारे पास COGS का अमाउंट निकल आएगा। तो यहां पर पेन चेंज कर लेता हूं, मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं। फिर से हम COGS को, एक मिनट, यहां पे फिर से हम कंप्यूट करेंगे COGS, लेकिन ये फॉर्मूला दूसरा वाला बन जाएगा। आप सेल में से जीपी माइनस कर दो सेल्स, ये हम लेंगे नेट सेल्स, नेट सेल्स माइनस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। सेल हमारे यहाँ कितना है, 11 लाख, सेल में से प्रॉफिट हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट। और अगर ये ग्रॉस लॉस हो तो एक और फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, सेल्स नेट सेल्स जीपी माइनस हुआ तो ग्रॉस लॉस ऐड हो जाएगा। तीन फॉर्मूले तो यहीं से आपके बन गए हैं, ठीक है, और ये तीनों फॉर्मूले आपको याद भी हो जाएंगे इजीली, ठीक है। तो यहां तक आपको याद रखना है, जब भी आपको फॉर्मूला बनाना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तो आपको ट्रेडिंग याद रखना है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, आगे हमें क्या करना है। कंपनी में पहले क्या हुआ करता था, कंपनी में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था वो बिल्कुल वैसे ही बनता था जैसा हमारा पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में बनता है। बट अब वहां पर ये चेंज हो गया है और जो फॉर्मेट हम बनाते थे पहले अब वो नहीं रहा, अब एक स्टेटमेंट बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, एक स्टेटमेंट बनती है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनती है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास फॉर्मेट होगा तो, हाँ जी ये रहा, ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। ये आपने देख भी रखा होगा और शायद कुछ स्टूडेंट को ये याद भी होगा। चलिए, तो ये जो फॉर्मेट है, हाँ इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको इसको समझाया नहीं है लेकिन रटवाने की कोशिश की है कि कैसे इसको इजी तरीके से हम याद रख सकते हैं, राइट। चलिए, तो अगर आप बोलोगे नीचे कमेंट करके बोलोगे तो मैं आपको इसको डिटेल में समझा दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर जिसमें आपको हर एक आइटम को डिटेल में समझा के चलूंगा, राइट। चलिए, अब तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये नॉर्मली क्या है कि यहाँ पर आप टोटल रेवेन्यू लिख देते हैं, सेल्स कितनी हुई, अदर इनकम दोनों को ऐड करके टोटल रेवेन्यू, और फिर उसमें से सभी खर्चे माइनस कर देते हैं तो आपके पास टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस हो जाएंगे तो प्रॉफिट आएगा बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर टैक्स। तो रफली मैंने आपको थोड़ा सा समझाया, टोटल यहाँ पे रेवेन्यू, फिर टोटल खर्चे माइनस हो जाएंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके बाद टैक्स माइनस हो जाएगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। चलिए, अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इसको समझाने का कि आपको ये जो रेशो है, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, इसके अंदर न्यू फॉर्मेट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट यहाँ पे परेशान हो जाता है, इसलिए मैं इस फॉर्मेट को भी समझाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो आइटम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अगर आपके पास बुक अभी है तो आप इसके यहाँ पर आप लिख लेना कि ये मैन्युफैक्चरिंग जो एंटिटी होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है उसके काम आती है, उसके लिए बेसिकली डाला गया है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, देखो जो भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होगी वो क्या करती है, वो जो मटेरियल लाती है उससे फिनिश गुड प्रोड्यूस करती है और उसके बाद उनको सेल करती है, ठीक है। तो वहां पे मटेरियल कंज्यूम होता है, मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। अगर आपके पास बुक है तो आप लिख लीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस, किसकी परचेज है, मटेरियल की, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये जो यूज, ये एक्सपेंस है वो है ट्रेडर के लिए, ट्रेडिंग सेक्टर के लिए, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नॉर्मली ट्रेडर के लिए रॉ मटेरियल यूज नहीं होता, वो फिनिश गुड परचेज करते हैं और थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके उनको आगे सेल कर देते हैं। जो हमारे थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ये है आपका, ये मिक्स पॉइंट बनाया गया है ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों के लिए। मेरे को बस ये तीन आइटम समझानी है, उसके बाद तो मुझे यहाँ से नहीं चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, ध्यान से देखो, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। देखिए फिनिश गुड,
ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है, वर्क इन प्रोग्रेस जो यूनिट अभी पूरे कंप्लीट बने हुए नहीं है, आधे अधूरे बने हुए हैं, ये भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है, और स्टॉक इन ट्रेड ये आपका ट्रेडिंग सेक्टर के लिए इसमें लिया गया है। ठीक है, तो जिसके ऊपर जो भी अप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे लिख लेगा, राइट। तो आपके माइंड में एक और चीज आ सकती है, यहाँ पे फिनिश गुड है, वर्क इन प्रोग्रेस है, बट यहाँ पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें आ चुका है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो उसका था वो ऊपर आ चुका है, इसलिए यहाँ पे रॉ मटेरियल का चेंजेस इन्वेंट्री नहीं है। अच्छा, आपको ये भी शायद डाउट आ रहा होगा चेंज इन्वेंट्री है क्या। एक्चुअल में चेंज इन्वेंट्री कुछ नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस है। चेंज इन्वेंट्री क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस। चलिए, तो हम यहाँ पे एक बार मैं इसको डिटेल में समझा देता हूँ आपको। तो COGS जो न्यू फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे कंप्यूट करेंगे, आइए वो देख लेते हैं। न्यू फॉर्मेट, इसका नाम अब हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला जाता है नेट सेल्स को। तो किसकी कॉस्ट है? जो गुड्स सेल किए हैं उसकी कॉस्ट। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। हाँ जी, क्या करना है हमें, देखो यहां पे पहले मैं पुराना रख रहा हूं और उसको फिर नए में मॉडिफाई करूंगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पे जो नया फॉर्मेट है, यहां पे इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक का उसका नया नाम लिखा गया है चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूं। एग्जांपल के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री था 30,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री था 20,000, तो नेट जो चेंज आया है इन्वेंट्री में, जो नेट चेंज आया है वो कितना आया है? 10,000 का चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो जो चेंज है वो 10,000 का है। इसी चीज को लिखने का ही दूसरा तरीका है। आइए फिर नेट जो यहां पे परचेजेस को यहां पे लिखा गया है, नेट परचेजेस का नाम दिया गया है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। नेट परचेजेस को क्या बोला गया? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई भी नाम चेंज नहीं हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेम है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हमारा जो न्यू फॉर्मूला हुआ, न्यू जो फॉर्मेट बना, सॉरी न्यू जो फॉर्मूला बना एज पर न्यू फॉर्मेट, तो वो क्या बन गया? इन दोनों को मिक्स करके लिखा गया चेंज इन इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर तीन तरह के इन्वेंट्री हो सकते हैं, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड का एंड वर्क इन प्रोग्रेस का, राइट। और जो ट्रेडिंग सेक्टर है उसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का फिनिश गुड का ही इन्वेंट्री नॉर्मली देखा जाता है। ठीक है, चेन इन्वेंट्री प्लस परचेज स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको वो ध्यान रखनी है कि ये दोनों चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी न्यू फॉर्मेट में, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों चीजें इजीली आपको मिल जाएंगी। आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको क्या करना है, ये कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के हेड बनाए हुए हैं और उसके बाद यहाँ पे एक हेड बना हुआ है अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस के आगे होगा नोट नंबर, आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट नंबर दिया हुआ है डिटेल्स। तो अदर एक्सपेंसेस में अगर डिटेल दी गई है और उसके अंदर कुछ एक्सपेंसेस दिए गए हैं, जैसे वेजेस है, खैर वेजेस तो आपका यहाँ पे भी आ सकता है, कैरिज इनवर्ड है और ऑक्ट्रॉय है, फ्रेट है, इस तरीके से फ्रेट इनवर्ड तो दिए गए हैं, तो वहां पे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस इजीली फाइंड कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, सीधा अदर एक्सपेंसेस लिखा गया है, तो हम ये जान ही नहीं सकते कि यहाँ पर कौन से हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कौन से इनडायरेक्ट हैं, तो इसलिए हम उसको इग्नोर करके चलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जीरो लेके चलेंगे।
जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी डायरेक्ट की तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसको जीरो मान लेंगे, राइट। चलिए तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। उसके बाद यहां पे मैं और बोल देता हूं, कुछ और फॉर्मूले आपको बना के दिखा देता हूं। हाँ जी, यहां पे हम लिखेंगे चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए फॉर्मूला है चेंज इन इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड। और अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई यहां पर रॉ मेटेरियल का इन्वेंट्री क्यों नहीं लिया गया, मैन्युफैक्चरिंग में तीन इन्वेंट्री होते हैं, तो आपको मैंने बताया था इसमें वो इंक्लूड है, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इसके अंदर आ गया है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम कैसे आता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल माइनस क्लोजिंग क्लोजिंग, ठीक है। तो यहां पर वो ओपनिंग क्लोजिंग उसके बैलेंस आ चुके हैं और परचेज भी आ चुका है, ठीक है। देखो यहां पर परचेज स्टॉक इन ट्रेड था, परचेज आ चुका है इसी में, ओपनिंग क्लोजिंग इसी में आ चुका है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने एज इट इज ले लिया है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सॉरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। तो उसके बाद बस ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका आ जाएगा और एवरेज इन्वेंट्री मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया है। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, आपको ये ध्यान रखना है कि एवरेज इन्वेंट्री यानी डिवाइड बाई टू तभी करना है जब आपको दो बैलेंस दिए गए हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक ही बैलेंस है, एग्जाम्पल के लिए पिछला कोई साल था ही नहीं, जब कोई लास्ट ईयर था ही नहीं, ये पहला साल है, तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, तो उस केस में आपको केवल क्लोजिंग इन्वेंट्री से ही काम कर देना है, तो वहां पे एवरेज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एक तो ये बताना था। नेक्स्ट जो आपको इंपॉर्टेंट चीज बतानी है वो ये है, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसी भी हालत में नहीं निकाला जा सकता, यानी आपको इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप इसको सेल से भी कंप्यूट कर सकते हैं। आप नेट सेल ले लीजिए और उसके बाद डिवाइड कर दिए एवरेज इन्वेंट्री से, तो वो भी एक इसका दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे, फर्स्ट प्रेफरेंस पे ये रहेगा, अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं निकाल सकते, पॉसिबल ही नहीं निकालना, तो आप नेट सेल ले लेना और एवरेज इन्वेंट्री अपॉन में कर देना, तो भी ये इजीली निकाला जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा, आपके साथ कवर कर लूंगा, डिस्कस करूंगा। और ट्रस्ट मी, ये रेशियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और जैसे भी वीडियो आपको लगी हो, आपको कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हुए हो, तो मुझे बताइएगा जरूर। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।